जहन दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं वन रैंक वन पेंशन। वन रैंक वन पेंशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका आज भी इंतजार है, और इसके लिए वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 16 या 15 दिसंबर 2022 तक इनकी जो भी पेंशन रिवीजन की किस्त है, पेंशनर्स को जो लंबित है वो दे दी जाए। आखिर सरकार मान नहीं रही है, सरकार क्यों टरका रही है, सरकार ने ओआरओपी पर अभी तक हमें क्या दिया, आखिर वन रैंक वन पेंशन की कहानी है क्या? बहुत सारे लोग इसमें एलिजिबल हैं, बहुत सारे लोगों एलिजिबल नहीं है, कईयों को फायदा मिला। तमाम विसंगति थी तनख्वाह के अंदर, ओआरओपी लागू कब हुई, उसके बाद क्या विसंगतियां अनोमलीज खत्म हुई या नहीं हुई, आज किसको ज्यादा फायदा है और किसको ज्यादा घाटा है, आग आने वाले कल में पेंशन में ये जो डिफरेंस बराबर होगा या डिफरेंस बना रहेगा, इसके बारे में बात करने से पहले मैं ये आपको 6 पेज का ओआरओपी का एक जो बुकलेट है इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, जो सरकार ने निकाला था कि सरकार ने क्या क्या काम किए। सरकार ने सबसे पहले 16वीं लोकसभा गठन के बाद 9 जून 2014 में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया और 1000 करोड़ का आवंटन किया कि नहीं भाई, गवर्नमेंट ये रिफॉर्म हुई है, इसी के ऊपर हुई थी, इनका इलेक्टेड इलेक्शन के लिए मुद्दा था। इसके बाद 7/11/2015 को क्या हुआ, लागू करने का निर्णय लिया जबकि गवर्नमेंट कर्ज में थी, जो गवर्नमेंट इसमें कह रही है 30/6/2000 तक के जो सेवानिवृत्त थे, फैमिली पेंशन थे, उनको कवर किया गया। कितना? 30 जून 2014 तक जो लोग पेंशन आए थे उनको इसमें कवर किया गया, वन रैंक वन पेंशन में जो अनोमलीज थी दोस्तों। अब इसमें क्या किया, अंतर पाटने की कोशिश की गई। अंतर मतलब सेम रैंक सेम सर्विस में जो लोग आए हैं उनकी सेम पेंशन होनी चाहिए, कोशिश की गई। कितनी कोशिश कामयाब हुई ये आप आज जान सकते हो, असलियत में हुई है नहीं हुई है ये इसकी कमियों के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। 2013 के रैंक को अब क्या इन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला रखा कि जो लोग 2013 में आए थे एक ही रैंक को एक ही सर्विस के, एक की मिनिमम ली एक की मैक्सिमम ली और दोनों का भाग किया, एक एवरेज निकाला, वो वहां पर पे फिक्स कर दिया। बट इतना ठीक रखा कि जो ज्यादा ले रहा था उसका कम नहीं इन्होंने किया, ये किया। फिर इसके बाद क्या रिकमेंडेशन थी जरा उसके बारे में बात करते हैं कि हर 5 वर्ष बाद पेंशन रिविजन का प्रस्ताव मंजूर किया गया। 5 वर्ष बाद हरेक की पेंशन रिविजन होगी, किसके? ओआरओपी के अलावा। क्या हुई? नहीं हुई। इसमें क्या हुआ, चलो 3/2/2016 को इन्होंने क्या किया, 101 पेंशन टेबल जारी की और करीब 20,60,220 पेंशनर्स को इन्होंने इतना पैसा दिया। कितना दिया? 10,000, ये इतने करोड़ रुपए इन्होंने बांटे, 10795 करोड़ रुपए का आवंटन इनका हुआ, लागू हुआ, पैसा खर्च किया। ये गवर्नमेंट ने अपनी रिकमेंडेशन में दिया है, इन्होंने कहा है कि मैंने बहुत सारे सुधार किए हैं, बहुत सारे फायदे, मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूं, जरूर एक बार पढ़ना कि गवर्नमेंट ने इलेक्शन मुद्दा बनाते हुए क्या इतनी सारी चीज दी, इस चीजों से हमारा हमारी समस्या का निराकरण हुआ। अब सवाल उठता है क्या वन रैंक वन पेंशन के बाद सबकी तनख्वाह बराबर है? बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने 2007 पे सीपीसी को रेफरेंस मानो आज के युग में, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ जो बहुत सारे नहीं 100% जेसीओ पेंशन कम ले रहे हैं, जो 2014-15 में आए उनसे 2016 वाले ज्यादा ले रहे हैं, 2017 के बाद आए वो लोग चाहे नासुआ ले लो, सुविधा ले लो, सुविधा मेल ले लो, ऑनरी कैप्टन ऑनरी लेफ्टिनेंट सब 4-5 हजार कम ले रहे हैं। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पूरा अध्ययन नहीं किया, सिर्फ चुनावी मुद्दा बना के हुए एक लमसम दे दिया हमें खुश करने के लिए, हमें खुश नहीं हुए और उन्होंने अनोमलीज बढ़ा दी। इस केस को दोबारा ओआरओपी 2 के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, उसकी लड़ाई रोडों तक लड़ी, फिर वर्डिक्ट आया, उसको गवर्नमेंट ने ये जो फैसला लिया ये सही है, ओआरओपी 2 को रिजेक्ट किया और पेंशन रिवीजन का आदेश दिया। आज पेंशन रिवीजन यानी मार्च 2022 का डिसीजन 16 का, और वो अभी बिल्कुल 6-9 महीने तक आगे बढ़ रहा है, अभी तक हमें भी भरोसा नहीं कि इस पर जो पेंशन रिवीजन होगी या नहीं होगी, क्या एरियर मिलेगा नहीं मिलेगा, लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं, लगातार न्यूज आती है, बहुत सारे लोग हैं जो रोज नई नई टेबल निकालते हैं, बहुत ज्यादा फेक न्यूज डाल रहे हैं, बिल्कुल भरोसा नहीं करना। आप इसको पढ़ना कि किसके लिए पहले लागू था, अब किसके लिए लागू, आपको सबको बता दिया है कि
जुलाई 2019 तक जो है, यानी 2014 और 2019 तक के बीच को मिलने वाला है। अब जो बाकी बचे हुए जिनका 5 साल होगा, आखिर उनका कम मिलेगा किस आधार पर मिलेगा, ये गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी क्लियर करने के लिए राजी नहीं है। सिर्फ जितना प्रेशर पड़ता है वो सोचते हैं कि नहीं, इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करते हैं। एक राजनीतिकरण हो रहा है पूरी तरह ओआरओपी का। शायद इसको क्या फायदा मिला है नहीं है, अपने कमेंट्स बॉक्स में आकर प्लीज कमेंट्स करिए। मेरा जो फोन नंबर है चेंज है, आप मेरे फोन पर व्हाट्सएप पर कोई मैसेज कर सकते हो, पॉसिबल मैं 100% जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।